मंगलवार को मध्य प्रदेश का हरदा जिला बम धमाकों की आवाज से दहल उठा। सिर्फ एक पटाखा फैक्ट्री में अचानक धमाका हुआ, उसके बाद नजारा कुछ यूं दिखा। आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी कि बचना नामुमकिन सा लगने लगा। चारों तरफ सिर्फ पटाखों का शोर गूंजने लगा। मदद के लिए चीख पुकार मच गई। धुएं और आग की जद में पूरा इलाका आ गया। आप खुद इन तस्वीरों की हकीकत उस चश्मदीद की जबानी सुनिए जो इस पूरे अग्निकांड से बचकर निकला है। तो भाग लेते हम सोचा था वो भी भाग गया, वो हमारे आगे भागा, पन वो दिखा ही नहीं हमको। कैसे विस्फोट हुआ, ये विस्फोट कैसे हुआ, क्या पता पीछे से। तुम वही काम करते हो क्या? कितने लोग वहाँ पे काम करते हैं? गन सारे नहीं, कितने फिर भी कितने होंगे? 150-200 लोग हैं। जानकारी के मुताबिक मगरधा रोड पर बनी पटाखा फैक्ट्री में सुबह विस्फोट हुआ, जिससे मानो पूरा शहर हिल गया। धमाके के बाद उठी आग की लपटों ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। फैक्ट्री से उठती आग की लपटें और धुएं का गुबार दूर से ही देखा जा रहा था। आसपास के करीब 50 घर आग की चपेट में आ गए। इस दौरान लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। सूचना मिलने के बाद मौके पर प्रशासनिक अमला फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के साथ पहुंचा, फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू शुरू किया। लेकिन तब तक कई लोगों की जान जा चुकी थी, जबकि 40 के करीब लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनको एम्बुलेंस के जरिए अलग अलग अस्पतालों में इलाज के लिए भेजा गया है। वहीं जैसे ही इस हादसे की खबर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को लगी, उन्होंने बिना देरी किए घटना का संज्ञान लिया और मंत्री से लेकर अफसरों को हेलीकॉप्टर से हरदा जाने के निर्देश दिए। इतना ही नहीं, भोपाल और इंदौर में मेडिकल कॉलेज एम्स और भोपाल के बर्न यूनिट में पूरी व्यवस्था दुरुस्त करने को कहा। फिलहाल इस हादसे पर मोहन सरकार की पूरी नजर है, लेकिन ये हादसा अपने पीछे ढेरों सवाल छोड़ गया है और सबक भी।